सोचा था मंगलसूत्र का बंधन तुम्हें जरूर खींच लाएगा आभा, समझ जाओगी कि हर कदम पे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर ना तुम समझी ना आई। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है तुम आओगी तो जरूर, आज नहीं तो कल, पर आओगी। मुझे अपने प्यार पे पूरा पूरा यकीन है आभा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर मेरा प्यार कभी नहीं झुकेगा आभा। जानते हैं करण, कितनी तकलीफ हुई होगी आपको, सुबह से लेकर शाम तक तपते सूरज के नीचे हमसे मिलने के लिए इंतजार आप कर रहे थे, मगर दिल तो हमारा चल रहा था, हम आपसे कैसे मिलते करण? एक तरफ आपके पापा को दिया वचन और दूसरी तरफ आपका प्यार। अरे प्रकाश बेटा, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, एक प्याला चाय तो पी के जाओ। नहीं राघव मामा, हमें देर हो रही है, पुलिस स्टेशन हाजिरी देकर हमें काम की तलाश में जाना है। शायद आज किस्मत हमारा कुछ साथ दे दे। चाची जी, मैं सोच रहा था कि प्रकाश भैया का मूड बड़े दिनों से अपसेट चल रहा है, तो क्यों ना हम सब बाहर पिकनिक के लिए जाएं? उनका भी मूड चेहरा हो जाएगा और हम सबका भी चेंज हो जाएगा। इसी बहाने संस्कार और आभा भी एक दूसरे के साथ अकेले में थोड़ा समय बिता पाएंगे, और मौका मिलेगा तो मैं भी बात छेड़ दूंगी। पिकनिक पर संस्कार का मन टटोल के देखना, आभा उसे अच्छी लगती है या नहीं। आभा से मिले? मिलूंगा तो तब ना, जब वो आएगी। क्या, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद वो लेटर उसकी आंटी को दिया था उसे देने के लिए, उसे आना चाहिए था। आंटी को? तुमने आभा के हाथ में लेटर नहीं दिया? तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ कोई मजाक हो रहा है? मेरी जिंदगी का सवाल है यार। Of all people, I thought you'll understand, yeah? करण, मैं... Shut up, yes, Anya. मैंने ही गलती कर दी तुम्हें वहाँ भेज। I'm sorry, करण. मैं जानती हूँ कि आभा के ना आने से तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन कम से कम तुम ये तो जानते हो कि आभा तुमसे प्यार करती है। उसके आने की उम्मीद हर वक्त बनी रहेगी। तुम बहुत खुश नसीब हो करण। शैली जी, आपने फोन क्यों किया? बस यही जानने के लिए कि अगर आपके पास कोई और अच्छी खबर हो तो हमें भी तो एक नए गिफ्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आभा की शादी हो जाएगी संस्कार के साथ। अच्छा लड़का है, दोनों बचपन के साथी हैं। आज वो आभा को घुमाने में ले जा रहा है चकोर पार्क में। बस आप इसी तरह से हमें खुशखबरियां सुनाते रहे, और आपको भी हमारी तरफ से उसी तरह के गिफ्ट मिलते रहे। जी शुक्रिया। कहीं जा रहे हो तुम दोनों? जी भाभी, हम लोग घूमने जा रहे हैं। अब सानिया, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, चकोर पार्क क्यों नहीं चले जाते? शादी से पहले प्रेमी वही जाया करते हैं। ओह, प्रेमी से याद आया, करण मैंने सुना है कि आजकल आभा भी वही जाया करती। अपने होने वाले पति के साथ, कितनी अजीब बात है ना करण, जिसके सपनों में तुम यहाँ खोए हुए हो वो तो वहां नई दुनिया में सा रहे। अब आएगा खेल का मजा, ऐसा खेल खेलूंगी कि पहली ही गेंद में आउट।